जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोग सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात करते हैं MOT, है ना। झटके में अगर बोल दिया जाए MOT तो लोग कहेंगे किसी मोटी की बात हो रही है। नहीं, किसी मोटी ओटी की बात नहीं हो रही है, जो जैसे हैं सभी लोग बेहतर है। MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात की जाती है, ध्यान दीजिएगा, इसको एफ हुंड और आरएस मिल्किन नामक वैज्ञानिक ने, एफ हुंड और आरएस मिल्किन नामक वैज्ञानिक ने 1930 में पहला पॉइंट क्या है जब परमाणविक कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। दूसरा, पहले कहा गया था कि परमाणविक कक्षक मिलने के बाद जो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं उनमें परमाणविक कक्षकों के जो गुण होते हैं वो आणविक कक्षक बनने के बाद भी मौजूद होते हैं। लेकिन बाद में एक्सप्लेन किया गया कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं उनके मिलने से आणविक कक्षक बनने के बाद उन परमाणु कक्षकों की जो गुण होते हैं या उन परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो अब बदल जाती हैं, क्योंकि वो नए एक कक्षक में बदल जाते हैं जिसे हम आणविक कक्षक के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, आणविक कक्षक के निर्माण के पश्चात परमाणु कक्षकों के जो गुण होते हैं आणविक कक्षक बनने पर परमाणु कक्षकों के गुण समाप्त हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा वाले कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO कहलाते हैं तथा उच्च ऊर्जा वाले आणविक कक्षक
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एपीएम को कहलाते हैं। याद रखिएगा, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात की, मैंने कहा कि इसके बारे में एफ फुंड और आर एस मिल्टन ने 1930 में बताया था। उन्होंने कहा जिस प्रकार परमाणुओं के पास परमाणु कक्षक होते हैं, जिस प्रकार परमाणुओं के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरह अणुओं के पास आणविक कक्षक होते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सीधे एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन की बात कर लें, तो यही हाइड्रोजन के केस में आप समझिएगा कि हाइड्रोजन इस रूप में हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन इस रूप में यहां पे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन एटम। लेकिन हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये मॉलिक्यूल कहलाएगा H2, जिसे हम हाइड्रोजन अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का अणु, और इसे कहेंगे परमाणु का ऑर्बिटल, इसे कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन इनके मिलने से जो बनेगा उसे कहा जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ले तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1, 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। वही स्थिति दूसरे हाइड्रोजन के पास भी होगी, इसका भी 1s1 या एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा लीजिए 1s1। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब ये जब परमाणु जुड़ते हैं और जो आणविक कक्षक बनाते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो नियम होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, इसे सिग्मा 1s कहते हैं और दूसरे वाले को सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। ये वाला नीचे वाला जो बिना स्टार का है उसे कहेंगे बॉन्डिंग, स्टार वाले को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। अब ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके और एक इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों इसमें आ गए और यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और एंटी बॉन्डिंग वाले में 0। इसी के लिए फार्मूला होता है, याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी आधार पर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है, इसी आधार पर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 Nb-Na या Bo बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसमें है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, 0 है, 2/2 = 1। यह स्पष्ट करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब यह है कि अगर बंद कोटि कहीं एक आ रही है तो वहां सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, बंद कोटि अगर 2 आ रही है तो उन दो परमाणुओं के बीच में जो अणु का निर्माण कर उसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन में H2 में देख लिया, उसी तरह ऑक्सीजन में O2 के केस में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ सीधे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है, जब परमाणु कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। When atomic orbital combine forms molecular
हाँ उसी तरह जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने आणविक कक्षक बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सीधा सूत्र, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के गुण जो होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक नई प्रॉपर्टी होगी, उसके एक नए गुण देखने को मिलेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी वहां पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये यहां पे देखने को मिलेगा। आणविक कक्षक निम्न ऊर्जा वाले कक्षक को बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बीएमओ, तथा उच्च ऊर्जा वाले को एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल कहते हैं। इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार से, यानी बीएमओ आपका बिना स्टार में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है विन्यास याद रखिएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और लास्ट सिग्मा स्टार 2p z। मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ चेंजेस भी देखने मिलते हैं, ये चेंजेस और बाकी नियम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहां मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में एफ हुंड और आर एस मिल्किन ने बताया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए एफ हुंड और आर एस मिल्किन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो मेन कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट आप आपके सामने है, इस पॉइंट को आप समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इनमें कुछ चेंजेज जो देखने को मिलते हैं वो चेंजेज, और उसके साथ साथ उनसे संबंधित उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।